जमशेदपुर के ओलीडी थाना अंतर्गत आदिवासी जन कल्याण हाई स्कूल परिसर में चार दीवारी के निर्माण का स्थानीय लोगों ने जमकर विरोध किया। सूचना पाकर डीएसपी पटमदा सुमित कुमार दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और स्थानीय लोगों को समझाने का प्रयास किया, पर लोग मानने को तैयार नहीं थे। विरोध बढ़ता देख मौके पर क्यूआरटी की एक टुकड़ी को लगाया गया। इसके अलावा एक दंडाधिकारी की भी नियुक्ति की गई है। स्थानीय लोग चार दीवारी का विरोध कर रहे थे। स्थानीय लोगों का कहना था कि अगर स्कूल के मैदान को पूरी तरह से घेर दिया जाएगा तो मैदान में जाने के लिए उन्हें लंबा रास्ता तय करना होगा। वहीं मैदान में ही सामुदायिक शौचालय है जिसका इस्तेमाल स्थानीय लोग करते हैं। लोगों ने प्रशासन से अपील की है कि उस स्थल पर चार दीवारी न बनाकर एक गेट लगवा दिया जाए। समिति जो है अपना मनमानी काम कर रहा है, एक निश्चित कोना को लेके इधर साइड से घेरना चाह रहे हैं पूर्व की दिशा में, और उस साइड देखिए एक एंट्रेंस है, तो हम लोग चाहते हैं कि पूर्व दिशा में भी एक एंट्रेंस होना चाहिए। और रहा बात कचरा का, तो कचरा चारों मैदान का हर कोना का आदमी यहाँ फेंकता है, लेकिन एक निश्चित कोना को ही दोषी ठहराया जा रहा है, कचरा कर रहा है, गंदगी कर रहा है। ऐसा नहीं है चारों कोना कचरा फेंका जा रहा है। हम लोग को 10 फीट या 15 फीट के यहाँ से एंट्रेंस चाहिए, बस हम लोग यही मांग है, समिति से यही मांग है। स्कूल के चार दीवारी के भीतर कचरा फेंकना कितना उचित स्वास्थ्य है? तो ये तो नगर निगम का दोष है ना सर। अगर नगर निगम यह सुविधा दिए रहता हम लोग को घर घर से कचरा उठाने का, या डब्बा दिए रहता कहीं पे, तो हम लोग का कचरा क्यों नहीं है सर? आप चेक कर सकते हैं, चेक कहीं भी नहीं। और मेरे को सर 31 साल उम्र हो गया सर, आज तक यहाँ भी बिन नहीं देखे। नगर निगम द्वारा कोई इस तरह का सुविधा यहाँ पर दिया नहीं गया आज तक। यहाँ पे चार दीवारी का निर्माण कार्य शुरू हो गया है, जो उसके लिए जो लोग कुछ उनका समस्या था, समस्या बता रहे थे कि गेट एक लगाना है, उसको लेके उचित माध्यम से लोग अपना जो है पत्राचार करेंगे, लोग अपनी बात को रखेंगे और शांतिपूर्ण माहौल है, शांतिपूर्ण माहौल में काम शुरू हो गया। वहीं प्रशासन की ओर से उस स्थान पर दीवार खड़ी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। पूरे बस्ती का कूड़ा यहाँ जमा हो रहा है, फिर शाम के टाइम में बहुत सारे लोग सिगरेट शराब ये सब का सेवन करते हैं यहाँ पे आके, जो कि एक स्कूल के हेल्दी एनवायरनमेंट के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो यहाँ पे प्रशासन और फिर स्कूल समिति सब मिलके इन्होंने डिसाइड किया है कि एक यहाँ पे प्रॉपर बाउंड्री वॉल हो। ग्रामीणों का विरोध है, उनका थोड़ा डिमांड है कि यहाँ पर भी एक गेट होना चाहिए, तो वो बात हम उनकी रखेंगे। अगर वो एक्सेप्टेबल होता है, कमेटी प्रशासन अगर डीसी मैडम डिसाइड करती हैं, तो फिर उस तरीके से जो भी लीगल होगा वो कार्रवाई की जाएगी। न्यूज विंग के लिए जमशेदपुर से गंगाधर पांडे की रिपोर्ट। टफकॉन XT 600 HCR TMT रिबा, अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ।